हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ जिसमें हम जीएस के सारे ही सब्जेक्ट कवर करेंगे। मॉडर्न इंडिया हो गया, एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया, जीएस होगी, सॉरी ज्योग्राफी होगी आप में, जिसमें इंडिया ज्योग्राफी, ओशनो ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, सारे ही सब्जेक्ट जो है हम कवर करेंगे। इवन पॉलिटी भी हम इसमें कवर करेंगे। तो अभी मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो मॉडर्न इंडिया से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप जो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहते हो, कि हम जो एक दिन में दो वीडियोस अपलोड करेंगे मॉडर्न इंडिया के साथ, आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हो कि अल्टरनेट जो है वो वीडियोस आए। तो पॉलिटी चाहते हो कि जियोग्राफी चाहते हो, जो भी आपको अच्छा लगेगा आप मेरे को कमेंट बताइए। जिस बेसिस पे मेरे को कमेंट या मैसेजेस आएंगे मेरे व्हाट्सएप पे, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा, और वीकेंड से लेक्चर जो है वो हम डेली अपडेट करते रहेंगे, यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब पे। तो आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडिया का आज फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डील करेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की बात करें तो जनरली मैं जो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर को डील करता हूँ वो तीन फेसेस में करता हूँ। अगर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की बात करूं तो इसको जो डील किया जाएगा वो तीन फेसेस में किया जाएगा। फेस वन, फेस टू एंड फेस थ्री। अब जो फेस वन है ये हमारे पास बात करता है फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, दैट मीन्स ये बात करता है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ के बाद। सेकेंड हाफ जो है, दैट मीन्स सेकेंड फेज जो है, ये आपके पास बात करता है मिडल डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं ये 1720s और 30s के बीच में बात करेगा, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, राइस ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट फ्रॉम द मुगल एम्पायर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइस ऑफ अवध, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राइज ऑफ हैदराबाद, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको राइज ऑफ बंगाल, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अब थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज जो है वो आपके पास, थर्ड फेज डील करेगा राइज ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी। राइज ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी, दैट मीन्स यहां पे हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर की, बैटल ऑफ प्लासी की, राइट। तो उसकी बात करेंगे कि कैसे ब्रिटिश ने अपनी सुपरमेसी एस्टेब्लिश करी थी, कि जो एक ट्रेडिंग, एक ट्रेड करने के पर्पस से आई थी कंपनी इंडिया में, और जिसने अपनी यहाँ पे क्या कर लिया, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एस्टेब्लिश कर, पॉलिटिकली एस्टेब्लिश हो गई, राइट। तो इन तीन फेसेस में हम डील करेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेस वन को। तो फेस वन में बात करें तो फेस वन जो है, जो आपके पास डील करता है डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद, कि क्या हुआ मुगल एम्पायर में, जो स्टार्ट होगा डेथ ऑफ औरंगजेब से। अब औरंगजेब की डेथ होती है इन 1707 में। अब 1707 में जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई तो यहां पे अब वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो ब्रॉक आउट हो जाएगा।
वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो ब्रॉकआउट हो गया। वो वॉर ऑफ सक्सेशन किसके बीच में ब्रॉकआउट हुआ है? इसके तीन बेटों के बीच में, जिसका सबसे बड़ा बेटा था प्रिंस मुआजम, सेकंड वन इज योर मोहम्मद आजम एंड थर्ड वन इज योर काम बख्श। ये तीन बेटे थे। अब वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया इन तीनों के बीच में। अब यहां पे जो सबसे बड़ा बेटा था, दैट मीन्स प्रिंस मुआजम जो था, इसने क्या किया, अपने दोनों भाइयों को डिफीट किया, मुआजम मोहम्मद अजाम को भी एंड काम बख्श को भी। काम बख्श को इसने डिफीट किया हैदराबाद में, हैदराबाद के पास, और अजाम को इसने जजाऊ के पास डिफीट किया एट जजाऊ। तो अब जैसे ही इसने इनको डिफीट किया और यहाँ पे अब क्या कर गया, सक्सीड कर गया थ्रोन में, दैट मीन्स मुगल एम्परर जो है वो बन गया। अब जैसे ही इसने सक्सीड किया मुगल थ्रोन को और एम्परर बना, दैट मीन्स एम्परर ऑफ दिल्ली जब बना, तो इसने अब यहाँ पे अपना नाम जो है, दैट मीन्स अपना टाइटल जो है ज्यूम किया, जिसको बोला गया बहादुर शाह बन, राइट। तो बहादुर शाह बन जो है अब वो सक्सीड करेगा औरंगजेब को इन 1707 में अपने भाइयों को डिफीट करने के बाद। अब बहादुर शाह बन जो रूल करेगा वो आपके पास 1707 में ये रूलर बना, दैट मींस एम्परर बना 1707 में, और ये रूल करेगा 1712 तक, राइट। तो अब देखो, इसको एक और नाम से जाना जाता है, बहादुर शाह बन को एक और नाम से जाना जाता है, शाह आलम बन, ठीक है। तो अब यहां पे बात करते हैं, अब इसके एम्पायर की बात करेंगे। देखो, जैसे ही बहादुर शाह बन और शाह आलम बन सक्सीड करता है थ्रोन को, तो आपको पता है कि थोड़ा सा औरंगजेब जो था वो रूड था। तो औरंगजेब के टाइम पे जितने भी रूलर्स थे, चाहे वो सिख रूलर थे, चाहे हम बात करें वो मराठास थे, चाहे वो राजपूत थे, सबके साथ उसके रिलेशन जो थे खराब हो चुके थे। तो जैसे ही अब बहादुर शाह बन एम्परर बना, तो इसने सबसे पहले इनिशिएट लिया कि मैं क्या करूंगा, जो भी रिलेशंस जो खराब किए हैं मेरे फादर ने, उनको क्या करूंगा, उन रिलेशंस को फिर से बेटर करूंगा। तो इसके लिए इसने एक पैसिफिक, और वी कैन से पैसिफिक पॉलिसी जो है, सॉरी पैसिफाई पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करी, जिसके अंडर इसने एक लीनियंट वे में जो है ट्रीट किया जितने भी रूलर्स थे, चीफ थे, जो भी इनकी कैप्टिविटी में थे, या फिर औरंगजेब ने जिनके भी अंडर कंट्रोल किया था। तो सबसे पहले अपनी पॉलिसी के अंडर अब इन्होंने क्या किया, जो मराठास थे, मराठास के प्रिंस थे साहू, जो मुगल कैप्टिविटी के अंडर थे, मुगल इम्प्रिजनमेंट में थे सिंस 1689 से, उनको रिलीज कर दिया और उनको बोला कि आप कहां जा सकते हो, महाराष्ट्र में वापस जा सकते हो। तो अल्टीमेटली इनको भी रिलीज कर दिया। किसने किया? बहादुर शाह बन ने। कैप्टिविटी में किसने रखा था? औरंगजेब ने रखा था। राजपूत के साथ बात करें तो राजपूत को क्या किया, मतलब जिन भी राजपूत चीफ के टेरिटरी को अनेक्स किया था औरंगजेब ने, इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह बन ने उनको उनकी टेरिटरी जो है वो रिटर्न कर दी, राइट। तो ये हुआ। देन आफ्टर हम बात करें यहां पे जाट्स के साथ एंड बुंदेलास के साथ। अब जाट्स एंड बुंदेलास के साथ भी इन्होंने क्या किया, पीस जो है वो मेंटेन करी, दैट मींस एक पीस एग्रीमेंट साइन किया। यहां पे जो जाट के चीफ थे वो थे चूरम, एंड यहां पे बुंदेलास की बात करें तो बुंदेलास के जो चीफ थे वो थे चतरासल। अब इन दोनों ने, अभी देखो इनकी पीस ट्रीटी का हमें कैसे पता चलता है, जब यहाँ पे बहादुर शाह बन ने अटैक किया, दैट मींस इसका बैटल हुआ किसके अगेंस्ट, बंदा बहादुर के अगेंस्ट, जो सिख चीफ थे, सिख लीडर थे और सिख गुरु थे, बंदा बहादुर के अगेंस्ट जब इन्होंने क्या किया, अटैक किया था, तो यहाँ पे जाट्स एंड बुंदेलास के लीडर्स ने भी इनको ज्वाइन किया था, बहादुर शाह बन को, राइट।
अब देखो यहां पे इसी टाइम पे बहादुर शाह बन की बात करें तो इन्होंने सिख के साथ भी क्या किए, बेटर रिलेशंस मेंटेन किए। तो उस टाइम पे जो सिख के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके साथ उनको इन्होंने क्या कर दिया, हाई मनसब जो है वो ग्रांट कर दिया। मनसबदार जात एक रैंक होता था, तो हाई मनसब जो है वो इनको ग्रांट कर दिया था गुरु गोविंद सिंह जी को, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे तो सही रहा, मतलब अब इन्होंने रिवोल्ट नहीं किया मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट। बट जैसे ही गुरु गोविंद सिंह को सक्सीड करेंगे कौन, बंदा बहादुर, गोविंद सिंह, बंदा बहादुर ने जैसे ही गुरु गोविंद सिंह को सक्सीड किया, तो यहां पे क्या हुआ, अब ये सिख रिलीजन के, दैट मीन सिख ने फिर से क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट किसके, मुगल अथॉरिटी के। तो यहाँ पे मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट जैसे ही बंदा बहादुर की लीडरशिप में क्या किया गया, रिवोल्ट किया गया बाय द सिख्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब एक बैटल देखने को मिलेगा। अब ये जिस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ लोहगढ़। अब ये लोहगढ़ बैटल जो है, ये जीरकपुर के पास लोहगढ़ एरिया पड़ेगा जहां पे ये बैटल हुआ, पिंजौर के पास। तो यहाँ पे इस बैटल में फिर डिफीट करेगा बंदा बहादुर शाह बन जो है वो डिफीट करेंगे किसको, बंदा बहादुर को। तो इस बैटल में चूरामण एंड चतरासल ने ज्वाइन किया था, अकम्पनीड किया था बहादुर शाह बन को। तो बैटल ऑफ लोहगढ़ हुआ था यहाँ पे, राइट। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब बहादुर शाह बन को सक्सीड करेगा कौन, जहंदर शाह। ये सिर्फ एक साल तक रूल करेगा, मतलब 1712 में इसने रूल किया, 1713 तक ये रूल करेगा। इसको यहां पे देखो, अब लेटर मुगल्स में एक रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है नोबल्स का, जिसमें आपको पर्शियन नोबल्स मिलेंगे, ईरानियन नोबल्स मिलेंगे। नोबल्स का रोल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्या करते थे, हेल्प करते थे। दैट मीन इन नोबल्स के सपोर्ट से ही अब क्या बन रहा था, कोई किंग बन रहा था, एम्परर बन रहा था। तो इनको किंग मेकर भी बोला गया। तो यहाँ पे नोबल्स का रोल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है किंग मेकिंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे अब जहंदर शाह भी क्या बनेंगे, एम्परर बनेंगे, दिल्ली के थ्रोन को सक्सीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकर खान। जुल्फिकर खान जो एक ईरानियन नोबल थे, और जैसे ही जुल्फिकर खान की सपोर्ट से जहंदर शाह ने सक्सीड किया थ्रोन को, और यहाँ पे जुल्फिकर खान जो है अब क्या बन जाएंगे, वो अडॉप्ट कर लेंगे एज अ पोस्ट ऑफ वजीर, दैट मीन्स, और वी कैन से एज अ प्राइम मिनिस्टर, इनके चीफ नोबल बन जाएंगे। अब यहीं पे देखो, अल्टीमेटली जब यहाँ पे नोबल्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी की जा रही थी बाय दिस नोबल्स, ठीक है, बाय देम। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो जुल्फिकर खान भाई साहब ने सबसे पहले क्या किया, फ्रेंडली रिलेशंस एस्टेब्लिश किए जितने भी नेबरिंग स्टेट्स थे। तो इन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस एस्टेब्लिश किए, तो यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन जो एस्टेब्लिश किए गए वो राजपूत के साथ इन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस जो है एस्टेब्लिश किए। राजपूत राजास थे, और अलॉन्ग विद मराठास के साथ भी इन्होंने क्या किया, फ्रेंडली रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश किए। अब राजपूत की बात करें, तो राजपूत के साथ यहाँ पे मेनली जय सिंह थे अंबर के, जय सिंह ऑफ अंबर, जिनको इन्होंने क्या बना दिया, अपॉइंट कर दिया एज अ गवर्नर ऑफ मालवा। किसने किया, जुल्फिकर खान ने, जो राजपूत चीफ थे जय सिंह, ठीक है। और यहीं पे अजीत सिंह थे मेवाड़ के, अजीत सिंह कहाँ के थे, मेवाड़ के थे, जिनको इन्होंने क्या किया, अपॉइंट किया एज अ गवर्नर ऑफ गुजरात। तो अल्टीमेटली ये अपने रिलेशन जो थे वो बेटर कर रहे थे अदर चीफ्स के साथ। वहीं पे मराठास की बात करें, तो मराठास को जो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ एग्रीमेंट जो साइन हुआ वो आपके पास साइन हुआ विद दाऊद खान पन्नी, एंड
शाहू के साथ इन 1711 में। दैट मींस यहाँ पे एग्रीमेंट जो है वो 1711-12 में साइन किया गया। अब जिसके थ्रू, अब इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या किया गया, यहां पे ग्रांट कर दिया गया चौथ एंड सरदेश मुखी। चौथ एंड सरदेश मुखी जो है किस रीजन की, डेक्कन रीजन की, किसको ग्रांट कर दी गई, मराठास को ग्रांट कर दी गई, ठीक है। बट यहां पे क्या कंडीशन रखी गई, बोला कि ठीक है हम चौथ और सरदेशमुखी तो आपको ग्रांट करने हैं, बट यहां पे क्या होगा, ये जो चौथ एंड सरदेशमुखी जो कलेक्ट की जाएगी वो कौन कलेक्ट करेगा, कलेक्टेड बाय मुगल ऑफिशियल्स, वो कलेक्ट की जाएगी बाय द मुगल ऑफिशियल्स के द्वारा। अब मुगल ऑफिशियल्स उसको कलेक्ट करके क्या करेंगे, आपको जो है हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। तो ये मतलब कंडीशन यहां पे रखी गई। अब यहां पे हम बात करते हैं कि चौथ एंड सरदेशमुखी था क्या, अगर नहीं पता तो चलो उसको भी डील। देखो चौथ एंड सरदेशमुखी की बात करते हैं। अब चौथ की मैं बात करूं तो चौथ मतलब 1/4 या फिर वी कैन से 25%। तो यहां पे ये जो 25% जो था ये क्या किया जाता था, रिवेन्यू जो है वो लिया जाता था। अब ये 25% रिवेन्यू जो था ये था आपके पास लैंड रिवेन्यू, जो किसको पे किया जाता था, लैंड रिवेन्यू जो पे किया जाता था वो मराठास को पे किया जाता था, ठीक है। अब ये क्यों किया जाता था, मराठास को क्यों पे करते थे, कि यहां पे देखो 25% कर रहा है कौन, जो मराठास के कंट्रोल में नहीं है, तो दैट मींस ये काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मनी दे रहे हैं। प्रोटेक्शन मनी क्यों, कि ये मराठास को 25% देंगे लैंड रिवेन्यू का। जनरली ये प्रोडक्शन पे दिया जाता था, प्रोड्यूस पे दिया जाता था, कि जितनी प्रोड्यूस होगा उसका 25% आप क्या कर दो, मराठास को रिवेन्यू दे दो। क्यों दे दो, कि इसके रिटर्न में अब क्या करेंगे, इन एक्सचेंज में अब मराठा जो है आपकी टेरिटरी को रेड नहीं करेंगे। दैट मींस मराठा की रेड से प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे क्या करते थे, जो इनकी एडजेसेंट टेरिटरीज थी या फिर चीफ थे वो क्या करते थे, चौथ जो है वो किसको देते थे, मराठास को देते थे, पे करते थे। वहीं पे सरदेशमुखी की बात करूं तो सरदेशमुखी मतलब सरदार की बात की जा रही है। तो यहां पे अगर बात करें तो 25% तो लिया ही जाता था, कि यहां पे मराठास जो रेड नहीं करेंगे, प्लस इस पे एडिशनल 10% और लिया जाएगा। दैट मींस टोटल कितना लिया जाएगा, 35% जो है मराठास यहां पे क्या लेंगे, लैंड रिवेन्यू लेंगे। अब 10% क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि 25% तो क्यों लिया जा रहा है, कि मराठास के रेड से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये 10% जो था एडिशनल हेरिडिटरी राइट्स था, मतलब यहां पे क्या करते थे, ये उस लैंड से लिया जाता था जिस पे मराठास क्लेम करते थे कि ये लैंड जो है हमारा हेरिडिटरी राइट है, ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। तो उससे जो है 10% एक्स्ट्रा लेते थे। तो ये था चौथ एंड सरदेशमुखी। अगर मैं बात करूं ये चौथ एंड सरदेशमुखी किसकी इनोवेशन है, किसने स्टार्ट किया था, तो क्या ये मराठास की इनोवेशन थी, नहीं। देखो ये मुगल्स द्वारा स्टार्ट किया गया था। मुगल्स ने क्यों, क्योंकि मुगल देखो एक टाइम पे ना, मतलब देखो जब भी बैटल होती थी तो अल्टीमेटली लॉस अपने आप को भी होता है, दूसरे को भी होता है। उस टाइम पे मराठा वन ऑफ द पावरफुल एम्पायर में से एक था जिसके अगेंस्ट मुगल्स नहीं जाना चाहते थे। तो मुगल्स ने यहाँ पे क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया किसके साथ, मराठास के साथ। बोला कि जो भी तुम्हारे साथ हमारी एडजेसेंट टेरिटरीज है तुम उनको इन्वेड मत करना, उसके रिटर्न में हम तुम्हें क्या दे देंगे, चौथ दे देंगे और सरदेशमुखी दे देंगे। तो ये जो इनोवेट किया गया था वो मुगल द्वारा किया गया था, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, राइट। चलो तो ये था आपके पास चौथ एंड सरदेशमुखी। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो यहीं पे जुल्फिकर खान की बात करें तो जुल्फिकर खान ने अब क्या किया, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिस सिस्टम का नाम था इजारा सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बट वाज इजारा सिस्टम। अब दिस इजारा सिस्टम इट वाज अ, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है।
रिवेन्यू फार्मिंग। अब रिवेन्यू फार्मिंग क्यों बोला जाता है, इजारा सिस्टम के थ्रू। अब इन्होंने क्या किया, जुल्फिकर खान ने और मुगल्स ने क्या किया, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड किसके साथ, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया मिडल मैन के साथ, कोई मिडल मैन जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोले आरती के साथ। यहां पे क्या कर लिया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया, जिसके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या बोला गया कि अब ये मिडल मैन जो है, जिसको एक नाम दे दिया गया रिवेन्यू फार्मर, जिसको यहां पे रिवेन्यू फार्मर का टाइटल भी दिया गया। दैट मीन अब ये क्या करेंगे रिवेन्यू फार्मर्स, ये क्या करेंगे, पेड करेंगे क्या, ठीक है, पेड करेंगे क्या टैक्स और रिवेन्यू, किसको, मुगल्स को और गवर्नमेंट को। और ये जो रिवेन्यू जो पे किया जाएगा बाय दिस रिवेन्यू फार्मर्स, ये जो रिवेन्यू जो था ये फिक्स्ड था कि आपको हमें सिर्फ इतना जो है रिवेन्यू आपको पे करना है। दैट मीन्स हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई एक रिवेन्यू फार्मर था जिसको बोल दिया गया कि तेरे को हमें मंथली जो है 100 रुपीज रिवेन्यू जो है वो पे करना है उस लैंड पे जिसका तेरे को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया पूरा। तो यहाँ पे देखो अब 100 रुपीज ये पे करेगा, बट वहीं पे क्या कर दिया, इसको लिबर्टी भी दे दी। दैट मीन्स इसको इतना फ्री कर दिया कि इसकी मर्जी है कि जितना रिवेन्यू वहां से कलेक्ट करना चाहे कर ले, बस हमें जो है एक फिक्स अमाउंट दे दे। दैट मीन्स चाहे ये रिवेन्यू फार्मर यहां से कलेक्ट करे 500 रुपीज, चाहे ये कलेक्ट करे 1000 रुपीज पर मंथ, इसको सिर्फ गवर्नमेंट को कितना देना है, मुगल एम्पायर को कितना देना है, मुगल अथॉरिटी को सिर्फ 100 रुपीज, बाकी का रेस्ट ऑफ अमाउंट जो होगा वो इसका होगा। तो अल्टीमेटली देखो इस सिस्टम के थ्रू क्या होने लगा, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होने लगी किसके साथ, जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके साथ, राइट। तो ये बात भी हुई, इसके बाद बात करते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे पीजेंट्स के साथ क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुई। अब आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे जहांदर शाह जहांदर शाह क्या था, आगरा गया हुआ था, ये आगरा में था, तो उस टाइम पे इसका नेफ्यू आएगा इससे मिलने, दैट मींस मिलने भी क्या आएगा, और वीकेंड से हाँ आया तो इससे मिलने ही, बट इसने क्या किया, बट वो नेफ्यू जो आया था किसी और पर्पज से, कि मतलब इसका हालचाल पूछने नहीं आया था, किसी और पर्पज से आया था, जिस नेफ्यू का नाम था फारूक सिया। अब फारूक सियार जाता है किससे मिलने, जहांदर शाह से मिलने, और जहांदर शाह से मिलने जैसे ही जाएगा और वहां पे क्या कर देगा, इसको डिफीट कर देगा आगरा में। और मतलब किसकी हेल्प से, देखो फारूक सियार गया आगरा में, आगरा में जहांदर शाह से मिलता है और जहांदर शाह को वहां पे मार देगा। अब अकेला तो ये नहीं ऐसा कर सकता, दैट मीन्स अल्टीमेटली कोई ना कोई जो जहांदर शाह का नोबल होगा वो इसके साथ मिला होगा। तो यहाँ पे अब एंट्री होती है आपके पास, हमने बात करी थी सैयद ब्रदर्स की, मतलब ये एक नोबल्स थे जिनका नाम था, दो ब्रदर थे ये सैयद ब्रदर्स, ठीक है। तो अगर बात करें सैयद ब्रदर्स जिनका नाम था अब्दुल्ला खान, एंड हुसैन अली खान, इनकी हेल्प से इसने क्या किया, अपने चाचा को मार दिया, अपने अंकल को मार दिया और अज्यूम कर लिया थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो अब अब्दुल्ला खान जैसे ही, दैट मींस कि फारूक सियार अब क्या बनेगा, एम्परर बनेगा, अब्दुल्ला खान अपने आप को अपॉइंट कर लेगा एज अ वजीर, और हुसैन अली खान जो है वो अडॉप्ट कर लेंगे टाइटल ऑफ मीर बख्शी, मतलब ये मीर बख्शी बन जाएंगे, आर्मी के हेड बन जाएंगे। तो ये बात हुई। अब देखो यहां पे बात करें, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस एम्परर के टाइम पे यहां पे मुगल्स ने अचीव की थी विक्ट्री ओवर सिख, तो यहां पे फारूक सियार के टाइम पे मुगल्स ने विक्ट्री जो थी अचीव की थी ओवर सिख। दैट मींस अब फारूक सियार की लीडरशिप में ही क्या हुआ था, जो सिख लीडर थे बंदा बहादुर, उनको डिफीट किया गया था बाय द मुगल फोर्सेस एट गुरदासपुर में, और फिर इनको क्या कर लिया गया था, अपनी इम्प्रिजनमेंट में ले लिया गया था, और बाद में इनको क्या कर दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था ऑन 19th of June 1716 को, कहां पे कर दिया गया था, दिल्ली में,
तो ये फारुख सियार के टाइम पे हुआ था। अब देखो फारुख सियार, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सिख एम्पायर पे, दैट मीन सिख जो गुरु थे उनको डिफीट किया था बंदा बहादुर को, ठीक है, जो बंदा बहादुर रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी, तो उस पे जो है इन्होंने विक्ट्री अचीव करी थी ओवर द सिख। अब यहाँ पे सेकंड जो फारुख सियार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फरमान ऑफ 1717, जो यहाँ पे रॉयल फरमान इशूड किया गया था बाय द फारूक सियार। किसको इशूड किया गया था? टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यही फरमान ऑफ 1717 जो था, यही आपके पास रीजन बनेगा बैटल ऑफ बक्सर का। अब यहां पे देखो, यहां पे बात करते हैं, दैट मीन्स कि मेन जो ये, दैट मीन्स यही फरमान जो था मेन रीजन बनता है जो कन्फ्लिक्ट राइज हुआ, किसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ, बिटवीन द नवाब जो थे बंगाल के एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसी फरमान की वजह से जो है सारा यहाँ पे ब्रिटिश की सुपरमेसी भी एस्टेब्लिश हुई थी, जब ब्रिटिशर ने यहाँ पे डिफीट किया था नवाब को, मुगल्स को, राइट। तो ये सारा जो था उसी की वजह से ब्रिटिश की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, ये हमारा थर्ड फेज में हम इसको डील करेंगे। तो अब हम बात करते हैं फरमान ऑफ 1717 के क्या सिग्निफिकेंस रहे। तो इस फरमान के थ्रू अब यहाँ पे फारूक सियार ने कंपनी को क्या कर दिया? परमिशन दे दी, कंपनी को परमिट कर दिया गया कि वो क्या कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं ट्रेड। ट्रेड कहां पे? बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ये तीन मेन प्रोविंसेस थी ब्रिटिश की, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। तो यहां पे क्या कर दिया गया कि आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास में। अब ये जो ट्रेड होगा फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी होगा, दैट मींस यहाँ पे आपको कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं करने पड़ेगी। तो अब कस्टम ड्यूटी कैसे नहीं पे करने पड़ेगी, अब कैसे पता लगेगा कि ये जो ट्रेड किया जा रहा है बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पे क्या दे दिया गया, यहाँ पे बोला गया कि हम आपको एक राइट देते हैं कि आप यहां पे क्या करोगे, इश्यू करोगे दस्तक और पासिस। ये सिर्फ दस्तक और पासिस जो थे इश्यूड किए जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड के लिए, कि जिसके थ्रू जो है यहां पे क्या किया जाएगा, बिना कस्टम ड्यूटी के आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। तो यहीं पे साथ में इनको क्या राइट दे दिया कि अब आप क्या कर सकते हो, अपने क्वाइंस जो है मिंट कर सकते हो अपने क्वाइंस। और साथ में क्या बोला कि आप फोर्टिफाई कर सकते हो कैलकटा को, दैट मीन जो इनकी फैक्ट्रीज थी कैलकटा में उसको क्या कर सकते हो, आप फोर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो यहीं पे फोर्ट विलियम जब बनाया गया था कैलकटा में, फिर जब उसको माउंट किया जा रहा था उसके गेट्स पे गन्स को, तोप्स को माउंट किया जा रहा था, फिर जब उसका विरोध किया गया बाय द नवाब ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ब्लैक होल ट्रेजेडी होगी। फिर अल्टीमेटली रिजल्ट में आपको बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि जो हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, ये पूरा जाएंगे फिर देखेंगे कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, राइट। तो ये सारी चीजें जो थी आपके पास देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये थे आपके पास, जो आपके पास यहाँ पे सिग्निफिकेंस था इस फरमान ऑफ 1717 का। बट यहाँ पे एक और बात बोली गई, इस फरमान में जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको अलाउ कर दिया गया, देवर अलाउड कि वो क्या कर सकते हैं, प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं। कि अब कंपनी के सर्वेंट भी क्या कर सकते हैं, प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं इन पोर्ट्स के थ्रू, दैट मीन्स बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास के पोर्ट्स के थ्रू। बट बोला ये जो प्राइवेट ट्रेड जो करेंगे ये एग्जेम्प्टेड होंगे फ्रॉम दिस दस्तक और पासी से, दैट मीन्स इनको कस्टम ड्यूटी जो है वो पे करनी ही पड़ेगी अगर ये प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं। जैसे इंडियन मर्चेंट कस्टम ड्यूटी पे करते हैं तो ये भी एलिजिबल होंगे कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए। बट यहीं पे क्या हुआ था, जब हम यहाँ पे
आपके पास रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भी देखेंगे तो उसमें भी इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे इस प्राइवेट ट्रेड का जो क्या किया जा रहा था, मिसयूज किया जा रहा था, दैट मीन्स कंपनी के सर्वेंट क्या कर रहे थे, इन पासिस का, इन दस्तखत का मिसयूज कर रहे थे, और यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे थे वो फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी कर रहे थे, राइट। तो ये भी एक मेन रीजन बना था, राइट। अब धीरे धीरे क्या हुआ इसके बाद, अब फारूक सियार ने कुछ टाइम के बाद, फारूक सियार को क्या लगा कि यार एक्चुअल में एम्परर तो मैं हूं, तो अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन जो होनी चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अब मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बट बोला यहाँ पे जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है कौन, ये सैयद ब्रदर्स करे जा रहे हैं, मेरा तो कोई सुनती कोई बात सुनता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली अब इसने ना यहाँ पे कॉन्स्पायर करना स्टार्ट कर दिया कि अब मैं क्या करूंगा, इन सैयद ब्रदर्स को हटा दूंगा इनकी पावर से। अब इसके बारे में नॉलेज होगी किसको, सैयद ब्रदर्स को। सैयद ब्रदर्स को पता लग गया कि फारूक सियार जो हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो यहां पे सैयद ब्रदर्स ने अब पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलके क्या किया, फारूक सियार को डिथ्रोन कर दिया, और इसको सबसे पहले क्या किया, ब्लाइंड किया, सबसे पहले इसको ब्लाइंड किया और बाद में इसको मार दिया। तो ये बात हुई थी, दैट मींस फारूक सियार को ब्लाइंड किया गया और बाद में उसको मारा गया उसी के नोबल्स द्वारा। इसके बाद फिर इन्होंने, दैट मींस सैयद ब्रदर्स ने, दो और एम्परर यहां पे आएंगे। अब इन एम्परर्स की बात करें तो यहां पे आएंगे रफी उद्दराजत, एंड सेकंड इनको जो सक्सीड करेंगे दराजत को वो करेंगे रफी उद दौला। अब हुआ क्या था, दराजत जो था ही वाज डाइड बिकॉज ऑफ टीबी, इनकी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हो गई थी, और वहीं पे रफी उद दौला जिनको शाहजहां टू के नाम से भी जाना जाता था, जाना जाता है, इनकी डाइसेंट्री की वजह से क्या होगी, डेथ होगी, राइट। तो ये चीजें हुई। अब इनके बाद जो मेन एम्परर आपके पास आएंगे लेटर मुगल्स में, जिनका नाम आपने सुना होगा, रोशन अख्तर। अगर ये नहीं सुना तो अब जो मैं नाम लेने जा रहा हूं, मोहम्मद शाह। अब ये थोड़ा भाई साहब, मोहम्मद शाह जो एम्परर था ये थोड़ा सा रंगीन मिजाज का बंदा था, दैट मीन्स ये थोड़ा सा फॉन्ड ऑफ वाइन एंड दैट मीन्स गर्ल्स में इसका ज्यादा इंटरेस्ट होता था, तो जिसकी वजह से, इसकी हरकतों की वजह से इसको नाम पड़ गया था मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसको रंगीला के नाम से भी ये फेमस है। तो अब रोशन अख्तर ने क्या किया, सबसे पहले इसके टाइम पे एक नॉवल था जिसका नाम था निजाम उल मुल्क। अगर आपने इनका नाम सुना होगा तो यही फाउंडर है हैदराबाद के, इन्होंने ही फाउंड किया था हैदराबाद को, हम करेंगे इसके बारे में भी, हैदराबाद को फाउंड किया था इन्होंने 1724। अब निजाम उल मुल्क जब रोशन अख्तर और मोहम्मद शाह रंगीला जो है आपके पास एम्परर बनेगा, तो उस टाइम पे निजाम उल मुल्क की हेल्प से इसने क्या किया, इन 1720 में मार दिया किनको, सैयद ब्रदर्स को। अब सैयद ब्रदर्स को मार दिया किसकी हेल्प से, निजाम उल मुल्क की हेल्प से, और यहाँ पे निजाम उल मुल्क अब क्या बन जाएंगे, वजीर बन जाएंगे, इनको अपॉइंट कर दिया जाएगा एज अ वजीर, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब रोशन अख्तर की बात करें, मोहम्मद शाह रंगीला का एम्पायर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है किसकी वजह से, इन्वेजन की वजह से, क्योंकि इसी के टाइम पे जो किंग ऑफ पर्शिया थे और वी कैन से नादिर शाह, He invaded India in 1738-39 में इन्होंने क्या किया था, इन्वेड किया था। अब रोशन अख्तर की बात करूं तो इन्होंने जो रूल किया था वो 1719 से लेके 48 तक ये एम्परर रहे हैं। अब नादिर शाह ने यहाँ पे इन्वेड किया 1738-39 में, जो आपको यहाँ पे एक बैटल देखने को मिलती है जिसका नाम था बैटल ऑफ करनाल। अब ये बैटल ऑफ करनाल जो हेल्ड हुई वो 13th of Feb 1739 में हेल्ड हुई थी।
जिसमें नादिर शाह ने क्या किया था, डिफीट किया था मुगल आर्मी को। तो यहाँ पे जो मुगल आर्मी थे, चलो अब इसकी बात करते हैं, बैटल ऑफ करनाल की जो आपके पास होती है इन 1739 में। 1739 में आपको बैटल ऑफ करनाल देखने को मिलती है, जो किसके बीच में हुई, नादिर शाह एंड मुगल एम्पायर के बीच में। तो यहाँ पे मुगल एम्पायर के और मुगल आर्मी के जो मीर बख्शी थे उस टाइम पे, खान आई दौरानी दौरन, ये मीर बख्शी थे, इनकी जो है इस बैटल में डेथ हो जाएगी, ठीक है। और वहीं पे मोहम्मद शाह, दैट मीन्स ये जो आपके पास रोशन अख्तर था, और मोहम्मद शाह रंगीला जो था, एंड सादत खान, जो सादत खान कौन थे, ये गवर्नर थे अवध के, इन दोनों को क्या कर लिया जाएगा, गवर्नर ऑफ अवध थे, इन दोनों को इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, प्रिजनर में ले लिया जाएगा। तो ये बैटल ऑफ करनाल हुई थी नादिर शाह और मुगल आर्मी के बीच में। तो इतना बात याद रखना कब हुई थी, 1739 में हुई थी। अभी देखो यहां से अगर डेप्थ में यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो इस बैटल के बारे में कौन से राइटर्स हैं जिन्होंने बात करी है, तो यहाँ पे टू पॉइंट्स थे, मीर एंड सौदा। मीर एंड सौदा ये दो पॉइंट्स थे जिन्होंने जो दिल्ली में जो इन्वेड किया था नादिर शाह ने, और जो डिवास्टेशन की गई थी, जो उसने पूरा नष्ट तहस नहस किया था दिल्ली को, उसके बारे में इन दोनों ने मेंशन किया है अपनी राइटिंग्स में। तो ये याद रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कहां से, इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप रिगार्डिंग किसी भी रिगार्डिंग, आपको एग्जाम प्रेपरेशन के रिगार्डिंग और वीकेंड से नोट्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, जो आपके पास रहेगा 2788628 9299 5। तो थैंक यू।